अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई रिस्क चिल्ड्रन। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, इससे हमने पहले बात की थी डिसएडवांटेजेस ऑफ़ दी आर्टिफिशियल फीडिंग पे, उसके बाद हमने वीनिंग के बारे में बात की थी कि वीनिंग क्या चीज़ होती है और वीनिंग में हम जो है ना किस तरह से बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा अदर जो फूड होती है वो किस तरह से हम दे रहे होते हैं और उसकी टाइमिंग्स क्या होती है। ठीक हो गई बात। आज हम बात करेंगे उन बेबीज़ उन चिल्ड्रंस के हवाले से जो हमारे पास हाई रिस्क है, मतलब वो ख़तरनाक हालात से गुजर रहे होते हैं या उसकी जो मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो अच्छी नहीं होती और उसको बहुत ख़तरा होता है लाइफ में, सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। क्लियर हो गई बात। तो अच्छा, हाई रिस्क चिल्ड्रन से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहला जो हमारे पास है वो है प्री मेच्योर बेबीज़। प्री मेच्योर बेबीज़ का क्या मतलब है कि वो बेबीज़ जो 37 हफ्तों से पहले पैदा हो जाए। ठीक है, अब आप अगर देख लें नॉर्मल प्रेगनेंसी टाइम कितना है, 9 मंथ्स है। अब मिसाल के तौर पर एक बेबी है वो 7 से लेकर 8 मंथ तक जो है ना उसकी डिलीवरी हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, मतलब 9 मंथ्स तो पूरे नहीं हुए ना, उससे पहले उसकी डिलीवरी हो गई है, तो ये हमारे पास प्री मेच्योर बेबी। क्लियर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो बेबीज़ वो चिल्ड्रंस वो इन्फेंट जो अपने 9 महीने पूरे करने से पहले पैदा हो जाए, बोर्न टू अर्ली जिसे हम कहते हैं, या उसकी डिलीवरी जल्दी से हो जाए, तो इसको हम प्री मेच्योर बेबीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्री मेच्योर बेबीज़ में अगर हम बात करें, सो देयर दीज आर दोज बेबीज़ दैट बोर्न टू अर्ली। क्या मतलब है इसका, वो बेबीज़ जो हमारे पास जल्दी से पैदा हों बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन का क्या मतलब है, बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन का मतलब ये है कि जो 9 मंथ्स का पीरियड है ना ये कंप्लीट ना हो और उससे पहले जो है ना उसकी बर्थ हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर बेबीज। अच्छा, सो देयर इंट्रायूट्रीन, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात कर ले इंट्रायूट्रीन ग्रोथ के हवाले से, सो देयर इंट्रायूट्रीन ग्रोथ में भी नॉर्मल दैट इज़ देयर। अब यहाँ पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे कि उसकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है क्या वो नॉर्मल थी या नहीं थी। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इंट्रायूट्रीन ग्रोथ में भी नॉर्मल जो उसकी ग्रोथ होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी गेस्टेशन टाइमिंग है ना वो नॉर्मल नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें कि जो यहाँ पे ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है कि इंट्रायूट्रीन ग्रोथ में भी नॉर्मल दैट इज़ देयर वेट लेंथ एंड डेवलपमेंट मे बी विद इन द नॉर्मल लिमिट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द गेस्टेशन। मतलब जो गेस्टेशन का टाइम होता है ना उसमें वेट लेंथ और डेवलपमेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन उसकी जो गेस्टेशन टाइमिंग है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है, क्योंकि नॉर्मल गेस्टेशन टाइम तो हमारे पास 9 मंथ है ना, लेकिन उससे पहले अगर हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, प्री मेच्योर बेबीज़ कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि इससे पहले जो हमारे पास है कि इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इसकी कॉजेज में हमारे पास प्री टर्म बेबीज़, मतलब जो प्री टर्म बेबीज़ है जिस इसकी कॉजेज क्या है, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल बर्थ्स है। मल्टीपल बर्थ्स का क्या मतलब है कि मतलब मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ ड्यूरेशन में आपकी जो है ना बर्थ जो है ना हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज जो है ना आपने पहले भी कंसीव कर चुके हैं और इसके बाद जो है ना अभी ये प्रेगनेंसी आ गई है, तो इसमें चांसेस ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज़ के होते हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया हमारे पास मल्टीपल बर्थ्स, दूसरा है हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन। अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी या प्रीमेच्योर बेबीज हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ड फिज़िकल वर्क, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई हार्ड फिज़िकल वर्क कर रहे हैं तो इससे जो है ना क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। एंड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो, आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव डिजीज इन द प्रेगनेंसी, या इसको हम प्री एक्लेम्शिया भी कहते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर बेबीज हो सकते हैं। अच्छा,
So this condition is often preventable by good antenatal screening and care and the discouragement of the adolescent pregnancy and treatment of hypertension. अब यहाँ पे पहले तो हमने बात की कि मसला क्या है, मतलब हमारे पास मसला ये है कि 9 मंथ से पहले जो है ना बेबी हो सकता है, क्लियर। लेकिन फिर हम इसको अगर आपको पता चल भी जाए कि इस तरह का मसला जो है ना वो आ सकता है, तो आपने फिर उसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो पहली बात यहाँ पे क्या है, एंटीनेटल केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका जो एंटीनेटल केयर है वो ठीक होगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा। या इसके अलावा एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा जिसको हम लेटर एज में प्रेगनेंसीज कहते हैं ना, मतलब 30 से 35 एज या 35 से 45 तक जो एज होता है, इसमें अगर आप प्रेगनेंसी जो है ना कंसीव करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। और अगर आपको कोई हाइपरटेंशन की बीमारी प्रेगनेंसी की पहले भी है तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ना कुछ मसाइल आ सकते हैं, तो मुझे अपने हाइपरटेंसिव का जो है ना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा If good neonatal care is provided by to such babies, they can catch up growth and by 2 to 3 years of age they will be normal size and performance. क्या मतलब हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर प्रीमेच्योर बेबी हो भी गया है, प्रीमेच्योर, तो अगर हम उसको ट्रीट करेंगे ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, गुड न्यूनेटल केयर। अगर प्रीमेच्योर हुआ भी है और अगर हम उसको न्यूनेटल केयर प्रोवाइड भी करें, तो न्यूनेटल केयर 2 to 3 years फिर उसको जो है ना प्रोवाइड करना होता है, सही हो गई बात। तो उस 2 to 3 years अगर हम उसको न्यूनेटल केयर प्रोवाइड करें तो उसका जो नॉर्मल बॉडी साइज एंड शेप है ना वो ठीक हो जाएगा, मतलब जो बॉडी का जो साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो लेंथ है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो डिवेलपमेंट है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो प्रीमेच्योर बेबीज़, वो बेबीज़ जो अपने टाइम से पहले पैदा हो, फिर अगर हमने उसको जो है ना इसको प्रिवेंट किस तरह से करना है, तो विद गुड एंटीनेटल केयर, और अगर प्रीमेच्योर बेबी हो गया है तो फिर आपने उसको केयर जो है ना प्रोवाइड करना चाहिए, न्यूनेटल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी की तरफ। अब दूसरे में मसला ये कि लो बर्थ वेट बेबीज़ है। लो बर्थ वेट बेबीज़ का मतलब ये है कि टाइम तो उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बर्थ हुई है उस दौर उस टाइम पे उसकी जो बेबी है उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब क्या है इसका कि नॉर्मल जो बेबी वेट है ना वो 2 से 2.5 kg का होना चाहिए। सो 2 से 2.5 kg का जो बेबी होता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। अब अगर 2 kg से कम जो है ना उसकी वेट है, तो ये हमारे पास लो बर्थ वेट में आ सकता है। अच्छा, सो क्या करना है, सो लो बर्थ वेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस इन द मदर चाइल्ड के हेल्थ इन बोथ डिवेलप एंड डिवेलपमेंट कंट्रीज। मतलब आप देख लें कि लो बर्थ वेट बेबीज जो होते हैं ये एक चैलेंज है इन द बोथ डिवेलप एंड डिवेलपिंग कंट्रीज। क्या मतलब है इसका, इट्स पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या मतलब, क्यों जो है ना इतना सीरियस चैलेंज है, क्यों इतना जो है ना इम्पॉर्टेंट है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इंसिडेंस का मतलब ये है कि अगर आप देख ले तो हर दूसरे या तीसरे बेबी में जो है ना उसको मसला क्या होता है, लो बर्थ वेट का मसला होता है। तो हाई इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एन डिजीज, सही है, मतलब वाकया होना, एक डिजीज़ वाकया होना, मतलब डिजीज़ से मेरा मुराद यहाँ पे क्या है, लो बर्थ वेट बेबीज़ है। तो इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बेबीज़ इस तरह के होते हैं कि वो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। जो दूसरा है हमारे पास एसोसिएशन विद मेंटल रिटार्डेशन। क्या मतलब है कि मेंटल रिटार्डेशन उसकी क्या हो सकती है, अगर कोई बेबी क्या है वो लो बर्थ है तो उसकी मेंटल रिटार्डेशन, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ वो सही नहीं होगी, ठीक। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी वेट कम होगा तो मेंटल ग्रोथ भी उसके साथ ख़राब होगा। तीसरी बात, हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी। हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी का क्या मतलब है कि लो बर्थ वेट इज़ द मेन काज ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेशो, और मोबिलिटी का मतलब है डिजीज रेशो। मतलब जो लो बर्थ वेट बेबीज होती है उसकी मोर्टेलिटी भी हाई होती है और मोबिलिटी भी हाई होती है, उसमें डिजीज रेशो भी हाई होता है और डेथ रेशो भी हाई होता है।
फिर उसके बाद ह्यूमन वेस्टेज एंड सफरिंग, क्या मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा बेबीज अगर लो बर्थ वेट हो तो वो वेस्टेज हो जाती है, और सफरिंग सफरिंग भी इन्वॉल्व होती है क्योंकि जो मदर होती है वो भी सफ़र होती है, जो बेबी होता है वो भी सफ़र होता है फ्रॉम दी डिफ़िकल्ट कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा एसोसिएशन विद द सोशो इकोनॉमिक अंडर डिवेलपमेंट, क्या मतलब है कि सोशो इकोनॉमिक हालात जो हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो उसकी वजह से फिर हम उसको ट्रीट भी नहीं कर पाते, तो बहुत सारे मसाइल लो बर्थ वेट बेबीज़ की आ सकते हैं। एक तो सोशो इकोनॉमिक अंडर डिवेलपमेंट का क्या मतलब है कि जितने भी अंडर डिवेलपमेंट ममालिक है उसमें अगर लो बर्थ बेबीज़ हो जाए तो फिर उसको केयर भी प्रोवाइड करना होता है, और केयर के साथ साथ जो है ना उस पर एक्सपेंस आता है, तो अगर आप जो है ना एक गरीब घराने से है तो आप किस तरह से उसको जो है ना ट्रीट करेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला आपको अगर देख ले तो ये क्या बता रहे हैं कि वेरी हाई कॉस्ट ऑफ द स्पेशल केयर, अगर आप उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो अगर आप अंडर डिवेलपमेंट हैं या आप गरीब घराने से हैं तो आप किस तरह से उसको जो है ना वो केयर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये लो बर्थ वेट बेबीज़ के मसाइल आ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देख ले कि लो बर्थ वेट बेबीज़ जो है ना वो किस तरह से, मतलब इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है। सो द LBW, लो बर्थ वेट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनिंग द सर्वाइवल चांस ऑफ द चाइल्ड। अगर आपने ये डिटेक्ट करना है कि बेबी सरवाइव करेगा या नहीं करेगा तो लो बर्थ वेट बेबी का जो ये साइन है ना ये एक सर्वाइवल साइन है। अगर उसकी वेट बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब है कि वो सर्वाइवल की चांसेस भी कम है, सर्वाइवल की चांसेस भी कम है। और अगर मिसाल के तौर पर वेट जो है ना वो ज़्यादा है तो सर्वाइवल की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये क्यों है ये हमने यहाँ पे ये सारा कुछ जो है ना डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये क्या बता रहे हैं कि द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ अबाउट 20 टाइम्स ग्रेटर फॉर ऑल LBW बेबीज देन द अदर बेबीज़। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बेबी प्रीमेच्योर है या कोई कंजेंटल एनोमलीज है या कोई और बीमारी है तो अगर हम मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट देख ले किस चीज़ की, लो बर्थ वेट की, तो वो 20 टाइम्स ज़्यादा है अदर डिजीज़ से। मिसाल के तौर पर 20 बच्चों में से एक बच्चा कोई बीमारी से मर रहा है तो उस एक बच्चे की जो है ना अगर हम अपोजिट देख ले LBW को, लो बर्थ वेट को, तो वो 20 बच्चे जो है ना वहाँ पे मरेंगे किस चीज़ से, लो बर्थ वेट से। ये कंपैरिजन की जा रही है ना कि मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले 1:20, 1:20 का मतलब है कि अदर डिजीज से अगर एक बच्चा मर रहा है तो यहाँ पे 20 जो बेबीज हैं ना ये यहाँ पे मर रहे हैं किस चीज़ से, लो बर्थ वेट। ये मैंने आपको ऐसी ही एग्जांपल दी हुई है, तो 20 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑल बेबीज। अच्छा, मैनी ऑफ देम बिकम्स द विक्टम ऑफ इन्फेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन। क्या मतलब है इसका कि इसमें मसला ये आता है कि जितने भी बेबीज़ होते हैं ना उसमें या तो इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, दूसरी हमारे पास है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी वो लो बर्थ वेट में है और अगर आप स्पेशल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वो माल न्यूट्रिशन में चला जाता है। अच्छा, लो बर्थ वेट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ ऑफ द मदर। क्या मतलब है कि अगर आपका जो बेबी है लो बर्थ वेट है तो इससे पता आपको ये भी चलता है कि जो उसकी मदर है ना वो भी कोई ठीक न्यूट्रिशन नहीं ले रही, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिल रही थी तो वो उसको जो बेबी होता वो भी हेल्दी होता, उसका जो वेट है वो भी ठीक होता, लेकिन मदर जो है ना वो कमज़ोर है तो उसकी वजह से उसका जो बेबी है वो भी कमज़ोर पैदा हुआ है। अच्छा, सो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन मेटर्नल न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द बर्थ वेट, देयर फॉर अ हाई परसेंटेज ऑफ LBW इंडिकेट्स टू डिफिशेंट हेल्थ स्टेटस ऑफ प्रेगनेंट वुमेन, इनएडिक्वेट पेरेंटल केयर एंड द नीड फॉर इम्प्रूव केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। क्या मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर जो मदर की न्यूट्रिशन है, जो मदर की न्यूट्रिशन है अगर वो ठीक है, सही है, तो उसका जो चाइल्ड है ना वो कभी भी लो बर्थ वेट में नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस अगर कोई डिजीज़ उसको अलग से हो गई।
ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे बता रहा है कि जितने भी लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं ना, उसकी मेन कॉज क्या होती है कि उसकी जो मदर है उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होती। सही है, तो उसकी मदर की न्यूट्रिशन की वजह से जो उसका बेबी होता है वो भी लो बर्थ वेट में ही चला जाता है। तो अब ये क्या बता रहा है कि आपने क्या करना है, आपने पेरेंटल केयर अच्छी देनी है, सॉरी प्री नेटल केयर। प्री नेटल केयर का क्या मतलब है कि आपने वो केयर अच्छी तरह से देनी है वुमेन को, जो है ना वुमेन की जो हेल्थ स्टेटस है उसको जो है ना वो करना है, और उसको डिटेक्ट करना है कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशन का मसला तो नहीं है। तो इस तरह के जितने भी मसाइल हैं ना, ये आपने प्रेगनेंसी से पहले मालूम करने होते हैं। ठीक हो गई बात, तो फिर उससे जो लो बर्थ वेट बेबीज़ की जो मसाइल है वो नहीं आते। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास क्या है, कंजेंटियल एनोमलीज। कंजेंटियल एनोमलीज किस चीज़ को कहते हैं, पैदाइशी कोई बीमारी, पैदाइशी कोई मसला। कंजेंटियल का मतलब है पैदाइशी। अच्छा, दीज आर द कंडीशन देयर आर सिग्निफिकेंटली डिटर्मिन बिफोर आर ड्यूरिंग बर्थ एंड विच आर इन प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेबल इन अर्ली लाइफ। क्या मतलब है, वो बीमारी वो कंडीशन जो आप सिग्निफिकेंटली डिटर्मिन करें किस टाइम में, उस टाइम में। अच्छा, तो कंजेंटल एनोमलीज में हमारे पास क्या है कि वो वाली कंडीशन जो आपको बिफोर बर्थ या आफ्टर द अर्ली बर्थ जो है ना आपको पता चल जाए। सो ड्यूरिंग द बर्थ अगर आपको पता चल गए, या बिफोर द बर्थ अगर आपको पता चल गए कि इसमें कोई बीमारी वगैरह है, तो इसको हम कंजेंटल एनोमलीज कहते हैं। सही हो गई बात। अच्छा, सम आर ऑब्वियस एट बर्थ लाइक क्लिफ्ट पैलेट, सम आर ऑब्वियस इन अर्ली लाइफ लाइक कंजेंटियल डिसलोकेशन ऑफ द हिप दैट मे एस्केप डिटेक्शन अंटिल वॉकिंग कॉमेंस। क्या मतलब है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आपको अर्ली ड्यूरिंग द बर्थ जो है ना, मतलब आफ्टर द बर्थ आपको जल्दी से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर जो वो लिप की बीमारी हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो क्लिफ पैलेट है, जो पैलेट है हमारे पास वो प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है, ये अर्ली जो है ना आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई डिसलोकेशन ऑफ हिप है, तो डिसलोकेशन ऑफ हिप का तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप उसको वॉकिंग कोई जो है ना वो करा ले, कोई प्रैक्टिस करा लिया उसको जो है ना सीधा इस तरह खड़ा करके, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसका जो हिप बोन है वो डिसलोकेट हो गया है। तो ये कॉन्जेंटल एनोमलीज है, ये बर्थ से पहले जो है ना इसको हो गई है। ठीक हो गई बात। अच्छा, सम डिटेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज मेजर दैट मे नीड सर्जिकल करेक्शन। कुछ इस तरह की बीमारियां होते हैं जो उसको जिसको हम मेजर कहते हैं, और उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, सर्जिकल करेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको जो है ना हम कहते हैं कि हाँ ये वाली जो बीमारियां हैं ये असल में क्या है, ये असल में है कि जिसके लिए सर्जिकल करेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें से हमारे हमारे पास अगर हम देख ले, तो कभी कभार आपने सुना होगा कि हार्ट में सुराख हो गए, तो उसके लिए फिर क्या चीज़ ज़रूरत होती है, सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सम आर क्लासिफाइड एज माइनर। माइनर में हमारे पास क्या है कि दैट नो फंक्शनल इम्प्लीकेशन लाइक स्किन टैग्स इन फ्रंट ऑफ द ईयर। तो ये हमारे पास क्या है, उसके लिए कोई फंक्शनल इम्प्लीकेशन रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं होती, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ मेजर्स होते हैं जिसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। और अच्छा, एक और मैं बात आपको बता देता हूँ, अगर आपको याद हो हमने इम्परफोरेट एनस की बात की थी, इम्परफोरेट एनस, तो ये भी एक कंजेंटल बीमारी है। सही है, तो अब इसके लिए क्या क्या हम इसको माइनर में लेंगे या मेजर में, तो ये हमारे पास मेजर में आ जाती है, क्योंकि अगर आप उसकी सर्जरी नहीं करेंगे तो उससे और मसाइल जो है ना वो हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात, तो ये बात आपने याद रखना है। अच्छा, कंजेंटल मॉलफॉर्मेशन आर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट एट बर्थ और कंजेंटल एनोमली इंक्लूड्स ऑल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द बर्थ। क्या मतलब है इसका कि एक होता है कंजेंटल मॉलफॉर्मेशन और एक होता है कंजेंटल एनोमली। मॉलफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें मसला आ गया है, कोई हिप डिसलोकेशन है, कोई जो है ना हार्ट टूटा हुआ है,
कोई इस तरह की कोई जो है ना स्ट्रक्चर ख़राब है तो इसको हम कंजेंटल माल फॉर्मेशन कहते हैं, क्लियर। और अगर कंजेंटल एनोमली की बात करें तो कंजेंटल एनोमली का मतलब है कि इंक्लूड ऑल बायोकेमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर। कोई आपका जो हार्ट है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, किडनी सही तरह से काम नहीं कर रहे, जो है ना लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, थायराइड ग्लैंड सही तरह से काम नहीं करें, तो ये सारे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, कंजेंटल एनोमली। ये असल में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है कि कंजेंटल एनोमली और कंजेंटल मालफॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। क्लियर हो गई बात, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा अब आ जाते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। सो फिजिकल हैंडीकैप का क्या मतलब है, द ग्रुप इंक्लूड्स चिल्ड्रन हु आर ब्लाइंड डेफ एंड म्यूट, दोस विद हेयर लिप क्लिफ पैलेट टेलेप्सिस एंड क्रिपल ड्यू टू पोलियो एक्सीडेंट्स बर्न्स एंड इंजरीज कंसिडरिंग देयर कॉजेज दीज फॉल इंटू थ्री मेन ग्रुप्स। क्या मतलब है कि फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन जो मजूर हो, सही है, अगर कोई वो ब्लाइंड है या डेफ है या म्यूट है, बात नहीं कर सकता, गूंगा है, बहरा है, जो भी है, इसको हम फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन कहते हैं। अगर पोलियो की वजह से अगर कोई जो है ना वो चल नहीं सकता, या कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई आग की वजह से कोई इंजरी ऐसी हो गई है कि वो माजूर हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब ये फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन को फिर उन्होंने थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट का मतलब ये है कि पैदाइशी अगर वो जो है ना उस माजूर हो। दूसरा है हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से अगर हो गया हो। तीसरा है हमारे पास एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट वगैरह से आपका जो हाथ है वो चला गया, पाँव है वो चला गया है, इस तरह कोई भी मसला आ गया है कि आप उससे माजूर हो गए, तो फिर हम इसको एक्सीडेंट में शुमार करते हैं। अच्छा ऑल दीज कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिक्वेट एंटीनेटल नेटल पोस्ट नेटल सर्विसेज एंड जेनेटिक काउंसलिंग। क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी ऐसे बेबीज़ होते हैं, हम इसको फिर जो है ना एंटीनेटल केयर के साथ नेटल और पोस्ट नेटल सर्विसेज के ज़रिए जो है ना उसको ट्रीट कर सकते हैं, या कोई जेनेटिक काउंसलिंग की अगर ज़रूरत है, कोई जीन्स काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो फिर हम उसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मसला असल में मेन पॉइंट जो है ना वो आपने ये समझना है कि हैंडीकैप चिल्ड्रन होते क्या हैं। ठीक हो गई बात, तो फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन वो जो मजूर होते हैं ड्यू टू एनी कॉज, कॉज कोई भी हो, लेकिन अगर वो माजूर है तो फिर हम उसको फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन की कैटेगरी में डाल दें। क्लियर, तो ये सारे बेबीज़ क्या हैं, ये जितने भी चिल्ड्रंस हैं ये हमारे पास हाई रिस्क चिल्ड्रन में है। अच्छा अब आ जाते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन अगर आप देख ले तो हमने बात भी की थी कि लो बर्थ वेट की बेबीज़ जितने भी होते हैं ना, लो बर्थ वेट बेबीज, वो हमारे पास क्या हो सकता है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज़ ए कंडीशन ऑफ सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन कंबाइंड विद अ डिफिसिट इन अडॉप्टिव बिहेवियर। कंसिडरिंग द कॉजेशन दिस मे बी जेनेटिक इन्वायरमेंटल एंड इंक्लूड प्री नेटल एज वेल एज पोस्ट नेटल काजेस। क्या मतलब है कि वो कंडीशन जिसमें उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है ना वो सब एवरेज हो, एवरेज से भी कम हो। मिसाल के तौर पर आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उसकी उम्र जो है ना, मिसाल के तौर पर वो 10 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी जो हरकत होती है, उसकी जो ब्रेन फंक्शन होती है, उसकी जो रिस्पॉन्स होती है, वो 3 साल की बेबी की तरह होती है। तो ये मेंटली रिटार्डेड बेबीज होते हैं। अब ये मेंटली रिटार्डेड बेबीज़ की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो इसकी कॉजेज़ बहुत सारे हैं। जेनेटिक कॉज हो सकती है, इन्वायरमेंटल कॉज हो सकती है, प्री नेटल कॉज हो सकती है, पोस्ट नेटल कॉज हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हो गए हो सकते हैं। जेनेटिक मतलब कोई जो है ना मदर या फादर की जीन्स में कोई मसला हो। इन्वायरमेंटल से मुराद ये है कि अगर कोई जो है ना उसको ट्रॉमा हो गया हो, प्री नेटल केयर में अगर कोई मसला हो गया हो, पोस्ट नेटल केयर में अगर उसके साथ कोई ऐसा मसला हो गया हो जिससे वजह से वो मेंटली टॉर्चर हो गया हो, मेंटली रिटार्डेड हो गया हो, क्लियर। तो ये सारी बातें मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन में आ जाती हैं। सो द पॉसिबल एंड द अर्लीस्ट टाइम टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन इज टू लुक फॉर एनी डिलेड माइलस्टोन इन डेवलपमेंट। क्या मतलब है कि आप देख लें, आप उसको रिकोगनाइज किस तरह से करेंगे, आप रिकोगनाइज इस तरह करेंगे कि वो बेबी जो अपने टाइम के साथ अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही और डिले हो रही है, तो
तो इसका मतलब है कि ये बेबी क्या है, ये हमारे पास मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू रिस्पॉन्स। आईक्यू रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, एक रिस्पॉन्स, हम उसको जो है ना कैलकुलेट करते हैं थ्रू आईक्यू। आपने ये आईक्यू का वर्ड जो है ना सुना होगा। अब इसको फिर स्कोर्स में डिवाइड किया गया है। ये कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर एंड प्रोफाउंड। अब इसकी कुछ स्कोर्स है, आपने याद रखना है कि जब भी उसका जो आईक्यू है ना वो 50 to 70 हो, तो इसका मतलब है कि ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, कम उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो गई है। अगर वो 35 से 49 तक हो तो ये मॉडरेट में आ जाता है। क्लियर? अगर कोई सवियर मेंटल रिटार्डेशन है तो उसकी जो स्कोर है ना वो 20 से 34 तक होगी, और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन अंडर द 20, अगर उसका जो स्कोर है वो 20 से है तो फिर प्रोफाउंड, 20 से 34 तो सवेयर, 35 से 49 तक हमारे पास मॉडरेट, और 50 से 70 तक हमारे पास ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आ जाता है। तो ये एक स्कोर है, फिर वो जो है ना इसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू सम प्रोसेसेस, और इससे पता चलता है कि जो चिल्ड्रन है या कोई जो है ना जितना पेशेंट है जो भी है तो वो कितना जो है ना मेंटली रिटार्डेड है। क्लियर? अब यहाँ पे नीचे एक बात कही गई है कि एन इंग्लिश स्टडी सजेस्ट दैट अमंग 100 मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन देयर विल बी 70 केसेस ऑफ माइल्ड। अब देख लें यहाँ पे, मिसाल के तौर पर आपने 100 मेंटली हैंडीकैप पर्सन की जो है ना डेटा कलेक्ट कर ली। मेंटली हैंडीकैप का क्या मतलब है कि वो मेंटली हैंडीकैप हो, माजूर हो, तो उसमें से 70 केसेस क्या होंगे, माइल्ड के होंगे, 20 केसेस मॉडरेट के होंगे एंड ओनली 5 केसेस ऑफ सवेयर मेंटल रिटार्डेशन। आप देख लें कि 70 केसेस ऑलमोस्ट मेंटली रिटार्डेड है माइल्ड कंडीशन। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द मेजोरिटी ऑफ द केसेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ऑफ द माइल्ड टाइप एंड पोटेंशली कैपेबल ऑफ बीइंग टॉट टू मेक ए हेल्थी सोशल अडॉप्टेशन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि माइल्ड जो केसेस हैं ना, माइल्ड केसेस वो हमारे पास है 70, तो मतलब इसकी तादाद ज़्यादा है ना, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई जो है ना माइल्ड कंडीशन में है, माइल्ड रिटार्डेशन में है, तो वो ईजिली सोसाइटी में अपना वक्त जो है ना वो बिता सकता है, अपनी वो सोशल सोसाइटी में अपना जो है ना एडॉप्टेशन कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेट और सवेयर में है तो फिर उसको बहुत सारे मसाइल होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास हो गया मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस। अच्छा, लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है माल नरिश चिल्ड्रन। माल नरिश चिल्ड्रन, अब ये भी एक मतलब वो लो बर्थ वेट के साथ जो है ना लिंक होता है। माल नरिश चिल्ड्रन का क्या मतलब है, जिसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं हो। सो माल न्यूट्रिशन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कंडीशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। स्कैरसिटी ऑफ द सूटेबल फूड एंड लैक ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ द फैमिली एज वेल एज द ट्रेडिशनल बिलीव एंड टेबूज अबाउट व्हाट द बेबी शुड ईट ऑफन लीड टू एन इनसफिशेंट बैलेंस डाइट रिजल्टिंग इन अ माल न्यूट्रिशन। दिस मेक्स द चाइल्ड मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, रिकवरी इज स्लोअर एंड मोर्टेलिटी इज हाइयर। क्या मतलब है इसका, सारा इसका मैं अगर खुलासा बता दूँ ना, तो ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक वाइड स्प्रेड कंडीशन है। वाइड स्प्रेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसमें माल नरिश बेबीज बहुत ज़्यादा है। अब इसके कॉजेस क्या है, एक कॉज है कि सूटेबल फूड नहीं है, सूटेबल फूड प्रोवाइडेड नहीं है। दूसरा मसला ये है कि पावर ऑफ परचेजिंग नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। तीसरा हम देख ले तो टेबूज, टेबूज कहते हैं रस्म और रिवाज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बेबीज को ये जो है ना ये वाला खाना नहीं खिलाएंगे, जिस तरह से हिंदूज में होता है, या मतलब मैं एक स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं कि वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो है ना वो इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, सब्जी नहीं खाते। तो अगर आप गोश्त और सब्ज़ी को जो है ना बिल्कुल एक उसमें खाएंगे तो दूसरे वाले में जो प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है आप उसे महरूम रह जाएंगे। तो टेबूज भी होते हैं कि अपने बेबीज को हमने ये वाला जो है ना ये खिलाना है और ये नहीं खिलाना। ठीक है, अच्छा, जब ये सारे कॉजेज आ जाती है ना तो इससे मसला क्या होता है कि बेबीज जो है ना वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं।
ठीक है। और जब भी बेबी इन्फेक्शन का शिकार होगा तो वो ऑलरेडी माल नरिश है, तो उसकी इम्यूनिटी नहीं है इम्यूनिटी, वो और भी कमज़ोर होती जाएगी। और जब इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर होगी तो उसकी वजह से उसकी डेथ वाकया हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माल नरिश चिल्ड्रन। तो ये माल नरिश चिल्ड्रन की जो बेबीज होते हैं ना, ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। अच्छा, अंडर मॉल नरिश चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो टू द फुल पोटेंशियल ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटीज। जितने भी माल नरिश्ड जितने भी अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं ना, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है अच्छी तरह से और ना मेंटल एबिलिटीज उसकी अच्छी होती है। सो प्रिवेंशन एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया, मीजल्स एंड अदर इन्फेक्शन इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड आर इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन रेट एज इन्फेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन ऑफन टेक विशियस साइकिल्स। क्या मतलब है इसका कि इन्फेक्शन जो है ना, कौन कौन सी इन्फेक्शन है। सो इन्फेक्शन में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है और जो ख़तरनाक है वो है डायरिया। सही है। तो डायरिया को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी डिजीज़ की बात कर ले तो वो है हमारे पास मीजल्स। तो ये दो ऐसी डिजीज़ेस है, या कोई इसके अलावा भी डिजीज़ अगर इन्फेंसी में है तो इस दोनों को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास हो गई वो बेबीज जो हाई रिस्क पे है, जो ख़तरनाक कंडीशन में है, वो कभी भी जो है ना, मतलब हमारे पास ख़राब हो सकती है, उसकी डेथ वाकया हो सकती है। तो ये एक लॉन्ग टॉपिक था लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। एक है हमारे पास माल नरिश चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, कंजेंटल एनोमलीज, लो बर्थ वेट बेबीज एंड प्रीमेच्योर बेबीज। सही हो गई बात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, मैं तो चाह रहा था कि ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड चाइल्ड हेल्थ की भी बात कर ले, लेकिन चलो इसको जो है ना, एक अलग सा एक टॉपिक, इसको शॉर्ट सा एक टॉपिक है, इसको अलग वाले में डिस्कस कर लेंगे। ये इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये शॉर्ट भी है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड चाइल्ड हेल्थ कैसे हो जो है ना वो होता है। सो देखते हैं, मैं इसको जो है ना देख लेता हूँ कि ये किस तरह से है, अगर इसमें कोई एडिशन की ज़रूरत हो तो मैं एडिशन भी कर दूंगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इम्यूनिटी के रिलेटेड होगा कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी इम्यूनिटी है, वैक्सीन्स कौन कौन से है, वैक्सीन प्रोग्राम्स क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस है जो हम कराएंगे। तो ये सारे जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।